सड़क के बाटे टूटल न लाना कौनो लायक, सड़क के बाटे टूटल न लाना कौनो लायक, चुनौवा कैसे जितबाए हो नारायण, चुनौवा कैसे जितबाए हो विधायक, जात पत चाहे तू धर्म बीच में लैब, अरे जात पत चाहे तू धर्म बीच में लैब, अरे तबो नाही तू चुनौवा जित पैब, अरे तबो नाही तू चुनौवा जित पैब। हे प्रभु नारायण, अभी मैं आपके नौतन बेड़िया विधानसभा क्षेत्र में खड़ा हूँ और आप अपने क्षेत्र की स्थिति देख सकते हैं, इस सड़क की हालात को देख सकते हैं, और इस सड़क के पानी जो सड़क पे लगा हुआ है ये बारिश का पानी नहीं है प्रभु नारायण, ये नाली का पानी है, और नाली का पानी सड़क पे लगा हुआ है, और आप अपने सड़क की स्थिति तो देख ही सकते हैं प्रभु नारायण। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके क्षेत्र की जनता त्राही माम कर रही है, कष्ट से, पीड़ा से, दर्द से चीख रही है, चिल्ला रही है, उसके बावजूद भी आपके कानों में जू नहीं रेंग रहा है, तो प्रभु नारायण कम से कम वोट का तो लाज रखिए। बड़े उम्मीद से आपको जिता के विधानसभा का सफर तय कराए हैं यहाँ के जनता, तो कम से कम वोट का लाज रख के आइए और इस विधानसभा को कष्ट से, पीड़ा से, दर्द से बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। बड़े ही आराम से, बड़े ही प्रेम से मैं अपनी बात को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, उसके बावजूद भी आपके लोगों को, आपके चमचे को पीड़ा हो जाता है, दर्द हो जाता है, खुजली हो जाता है कि कोई लड़का विधायक जी के बारे में गलत बोल रहा है। तो प्रभु नारायण, हम आपके बारे में गलत नहीं बोल रहे हैं, आप अपने क्षेत्र के हालात को देखिए, ऊपर वाले ने आपके दो सुंदर सुंदर आंख दिए हैं, अपने आंखों से देखिए और आइए अपने बुद्धि विवेक का परिचय देते हुए नौतन बेड़िया विधानसभा को भ्रष्टाचार रूपी दानों से मुक्त कराने की कोशिश कीजिए। कम से कम कुछ नहीं कर सकते हैं तो कोशिश तो कर ही सकते हैं। और मैं आपके चमचों को बताना चाहूंगा, जिस पार्टी की चमचाई कर रहे हैं ना, उस पार्टी के लिए मैं दिल्ली में कई साल काम किया हूं, जेल भी गया हूं, आंदोलन भी किया हूं, पुलिस के डंडे भी खाया हूं, तो ये पार्टी का और नेताजी का खौफ किसी और को दिखाइएगा चमचे महानुभाव। आपसे अनुरोध है कि आप अपने भाषा पे, आप अपने वाणी पे संयम बरतिए, और जिस तरीके से आप हमें टॉर्चर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो आपके परेशानी से हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। किसान के औलाद हैं और हमारे सीना फौलाद का है, तो आपकी बातों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा चमचा महोदय। आप चमचाई कीजिए, आप में और मुझ में बस इतना ही फर्क है कि आप चमचाई करके अपना परिवार चलाते हैं और हम क्षेत्र के लिए लड़ते हैं, समाज के लिए लड़ते हैं और समाज के लिए आवाज उठाते रहेंगे। अगर आप में भी दम है तो आइए इस क्षेत्र की जनता की आवाज बनिए और इस सारी हालात को अपने विधायक जी तक पहुंचाइए। केवल जिंदाबाद 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 के नारा लगाने के लिए चमचाई करोगे, परिवार की रोजी रोटी चलाने के लिए चमचाई करोगे, ये क्षेत्र है आपका क्षेत्र है, कम से कम आइए ना, इस सड़क की स्थिति देखिए, नाले की स्थिति देखिए, लेकिन ये सब आपको नजर नहीं आएगा। विधायक जी जिंदाबाद जिंदाबाद, तो जिंदाबाद का नारा लगाओ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरे बारे में और मेरे साथ घूमने वाले लोगों को टॉर्चर करोगे, परेशान करोगे, तो विकास वैभव चुप थोड़े ही बैठेगा। तो कम से कम संयम बरतिए, बुद्धि विवेक उम्र से नहीं बढ़ता है, बड़े हो गए हैं बुद्धि नहीं है, तो थोड़ा सा ज्ञान बुजुर्गों से लीजिए, थोड़ा सा ज्ञान जो ज्ञानी लोग हैं आपके गांव में उनसे लीजिए, बहुत बड़े ज्ञानी बन के मत बैठिए। और जो लड़का काम कर रहा है क्षेत्र की विकास के लिए, क्षेत्र की उन्नति के लिए, उसकी आवाज को दबाने की कोशिश मत किया जाए, क्योंकि आप में मुझ में बहुत फर्क है। आप चमचाई करते हो, हम क्षेत्र के लिए लड़ते हैं, समाज के लिए लड़ते हैं और हम लड़ते रहेंगे, तुम्हारे चमचाई समय घंटा फर्क नहीं पड़ता है। जय हिंद, जय बिहार।